नमस्कार दोस्तों, फिनोमिनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूज़ करते हैं सैमसंग गैलेक्सी के एम सीरीज़ या एफ सीरीज़ के स्मार्टफोन, उसमें दोस्तों आपको कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह अगर देखने को मिलती हैं, जैसे कि लैग इशू आपको देखने को मिलता है, या फिर हैंग हो जाता है आपका स्मार्टफोन, या फिर ओवर हीटिंग का इशू होता है, मेमोरी का यहाँ पर कोई आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इसके अलावा आपको यहाँ पर बैटरी ड्रेन इशू देखने को मिलता है, हीटिंग इशू देखने को मिलता है, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है दोस्तों, तो उसे किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं आज के इस वीडियो में कम्प्लीट डिटेल बताने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको यहाँ पर फाइन लॉक को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको 5 गार्डियन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है बैटरी ट्रैकर, और यहाँ पर बैटरी गार्डियन, गैलेक्सी ऐप बूस्टर, इसके अलावा थर्मल गार्डियन है, और यहाँ पर आपको मेमोरी गार्डियन देखने को मिल जाता है। इन 5 ऐप्स से दोस्तों आप ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैटरी ट्रैकर की। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बैटरी का ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल जाता है कि कब क्या बैटरी यूजेस हुई है, और आपको इसका लेवल, स्क्रीन ऑन टाइम, और यहाँ पर आपको बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक्टिव टाइम देखने को मिल जाती है, कौन सी ऐप जो है बैटरी को ड्रेन कर रही है। तो यहाँ पर आप पूरा डिटेल देख सकते हैं, सारा ऐप का जो रिकॉर्ड है आपको देखने को मिल जाता है। जो आपके काम की ऐप नहीं है दोस्तों, आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। कौन सी बैटरी यहाँ पर ज़्यादा ड्रेन कर रही है ऐप, तो यहाँ पर आप जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लास्ट 7 डेज की भी डिटेल यहाँ पर जान सकते हैं, उसे भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ग्राफ वगैरह देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर एक्टिव टाइम वगैरह भी आप देख पाएंगे। तो इस तरीके से बैटरी ट्रैकर की मदद से दोस्तों आप अपनी बैटरी परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऐप की, जो है बैटरी गार्डियन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐप पावर सेविंग मोड का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली दोस्तों आप इसे इनेबल कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपका स्मार्टफोन की जो बैटरी है ऑप्टिमाइज हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको स्क्रीन पावर सेविंग मोड का भी ऑप्शन मिलता है, तो इसे भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पावर सेविंग ड्यूरिंग बेड टाइम का ऑप्शन मिलता है, और एक्सटेंड बैटरी लाइफ का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस बैटरी में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें गैलेक्सी ऐप बूस्टर की, तो यहाँ पर आपको ये ऐप देखने को मिलती है। अगर आपका स्मार्टफोन लैग वगैरह कर रहा है, और आपको गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिल रही है, और आपको स्मूथनेस नहीं मिल रही है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। गैलेक्सी ऐप बूस्टर को आप ऑप्टिमाइज नाउ पर क्लिक करके यहाँ पर सारी ऐप को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो आपको कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, और आपके स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी। तो इस ऐप का दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जो है थर्मल गार्डियन। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इससे आप सीपीयू का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं कि आपके सीपीयू का टेम्परेचर क्या है, और यहाँ पर आपको थ्रेशहोल्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप सीपीयू यूजर्स का भी ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और देख सकते हैं क्या परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ये है मेमोरी गार्डियन। यहाँ पर आपको मेमोरी का पूरा रिकॉर्ड है देखने को मिल जाती है, कौन सी ऐप कैसे परफॉर्म कर रही है, कितना यहाँ पर मेमोरी ले रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको हिस्ट्री भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप मॉनिटर कर सकते हैं सारी ऐप को, और क्लीन नाउ पर क्लिक करके आप मेमोरी स्पेस को दोस्तों यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दोस्तों कमाल के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, और अपना जो स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस है उसे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।